जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बहुत परेशानियां चल रही हैं, जिससे आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है और किस्मत को बदलने के लिए आप बहुत खर्चा भी कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको अपनी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा अनूठा उपाय बताऊंगी जिसमें आपका खर्चा 0% आएगा और भाग्य बदलने की गारंटी होगी 101%। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ज्योतिषी में इतना दम नहीं कि वो आपकी किस्मत बदल सके। वो बस बता सकते हैं कि आपका समय खराब चल रहा है या आपका कौन सा ग्रह आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से होता है। लेकिन जब हम ईश्वर को मानने लगते हैं, उसके प्रति जब हमारी सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, तो भाग्य बदलने का जुम्मा भी उसी का हो जाता है और उसी में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके भाग्य को बदल दे। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। इसे आपको सुबह उठते ही करना है। जब आप सुबह उठे तो आपको बेड से नीचे पैर नहीं रखना है, बेड पर ही आप बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को देखते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को अपनी उंगली की हेल्प से दोनों हाथों पर लिख लीजिए। अगर आप मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, मान लीजिए आप शिव को मानते हैं तो नमः शिवाय, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्णाय नमः, माँ दुर्गा को मानते हैं तो दुर्गाय नमः और हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमते नमः। इस तरह आप नाम अपनी हथेलियों पर लिख लीजिए और कुछ देर बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। अब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सुबह सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इस समय हम कोई भी प्रार्थना करते हैं वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि सुबह का समय बहुत शांत होता है और भगवान हमें सुन रहे होते हैं। जब हम इस तरह मंत्र या भगवान का नाम अपने हाथों पर लिखते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे हाथों की लकीरों में आ जाते हैं, और जिसके हाथों की लकीरों में स्वयं परमात्मा आ गए उसकी किस्मत कैसे खराब हो सकती है। अब तो आपने स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, अब वो देखेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने सुबह सुबह परमात्मा का नाम ही अपने हाथों में लिख लिया तो अब ना तो आपके हाथों कुछ बुरा होगा और ना ही आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन है बड़ा चमत्कारी। इसे आप करिए रोजाना सुबह सुबह। अब सुबह सुबह का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए कहते भी हैं कि पूजा सुबह सुबह ही करनी चाहिए, क्योंकि जितना ध्यान हमारा सुबह सुबह पूजा में लगता है उतना पूरे दिन में कभी नहीं लगता। इस उपाय को आप पूरे 41 दिन तक करिए। मेरा दावा है कि आप अपना भाग्योदय होते खुद देखेंगे, उसके बाद आप इस उपाय को छोड़ ही नहीं पाएंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और पैसों से संबंधित आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो इन दो वीडियो को अवश्य देखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।